जट की यारी मंदिर के पुजारी नाल पैदी यारी भी इन्नी पक्की कि तड़के जंगल पानी भी कट्ठी जाते एक दिन दो जंगल पानी गए जाके अज बैठे सी पंडित जी ने शरारत सूझी कहना सरार जी अज फिर हो जाए मुकाबला कहना केड़ी गल दा कहना देखते हैं अपने दोनों विचों बाद चो कौन उठू जद कहना ठीक है लो जी जिहड़ा काम करना है सी उहदा 5 मिंट च निबेड़ लिया उदों बाद 12 बज गए 2 बज गए 2:30 बज गए दोनों च कोई टस तो मस ना हो क्योंकि मुकाबला चलता सी जदों शाम के 4:30 बजे पंडित जी का दिल धक धक करन लग्या कि त्रिकाल संध्या की आरती का टाइम हो गया सरदार जी तो उठन का नाम नहीं लेंदे इन्हें नूं लभदा लभाउंदा पंडित जी का मुंडा उत्थे पहुँच गया कहिंदा पिता जी घर नहीं जाणा कहिंदा बेटी ऐं करिओ तू अपनी माता सवित्री नूं कह दी कि त्रिकाल संध्या की आरती वह कर लवे तो सवेर की आरती वेले टेप ला दिओ क्योंकि ज़्यादातर लोग उहदे सुत्ते ही पए हुंदे उन्हां नूं कहिड़ा पता लगना भी टेप चलती है कि पंडित जी आप बोलते हैं इन्हां नूं जड़दा मुंडा आ गया कहिंदा पापा जी सवेर दी जंगल पानी आए हो घर नहीं जाना कहिंदा पुत तू जा अज नहीं मैं घर जांदा अज तां मेरा पंडित जी नाल लीड पेचा पिया होया सो इस करके भाई औखे सौखे हाड़ी का काम तुसीं देख लियो ते सौणी वेले अपने मामा जी नूं सद लियो पंडित जी दी अखां टड्डियां गईआं कहिंदा सरदार जी एड्डा लंबा प्रोग्राम बणाई बैठे कहिंदा हाँ जी पंडित जरे टपूसी मार के धोती सुट के कहिंदा फिर अपनी तां बस है जी सो इस कहानी का निचोड़ की निकलिया निचोड़ यह है कि जट्टां दा पेचा पै गया सेंटर दी महाजन सरकार नाल ते 3-4 दिन जी महाजन सरकार तो लैन लग गई उसल बटे तो जट लैके पहुंचे ने 6 महीने का राशन ये तो विआह गए हुण तां नानके तों 1.5 महीना नहीं मुड़ते इत्थे तां मसला उन्हां दी होण दा नाले उह कहिंदे साडा दिल्ली कुंडली बार्डर ते इन्ना जी लग गया जे फैसला साडे हक च भी हुंदा ना तो घट्टो घट 2.5 महीने तो नहीं मुड़ते असीं पंजाब मेरा गल समझ के होवोंगे मैं की कहना चाहुंदा।